तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड जो बन रहा है उसको आप अपने घर पे बैठे ही एकदम फ्री में, जैसे ही आप ऑनलाइन दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 50 रुपये, कहीं कहीं पे 100 रुपये भी लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने ही फ़ोन से अपने ही घर पे आपका खुद का डॉक्यूमेंट लेके आप खुद से ही कर सकते हैं, और सिर्फ 10 मिनट में। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, 10-12 मिनट का वीडियो होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से ई श्रम कार्ड को एकदम इजीली से बना सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे सर्च करना है ई श्रम कार्ड, ठीक है। जैसे ही सर्च करते हो यहाँ पे ई श्रम कार्ड का ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला साइट आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो यहाँ पे आपका मांगा जाएगा कोई नंबर, एंड यहाँ पे नीचे लिखा रहा है कैप्चा कोड, वो इंटर कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना नंबर यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। नंबर इंटर करने के बाद आपको बताते हैं, तो हम मेरा नंबर इंटर हो चुका है। अब यहाँ पे एक लिखा रहा है इंटर कैप्चा कोड, ठीक है। तो इस कैप्चे को आपको जो सिंपल सा है वही आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो H4HMKE, ठीक है, हम इतना लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, एंड थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जो भी नंबर मोबाइल नंबर आप इंटर किए हो उस नंबर पे अभी जस्ट एक OTP आएगा, ठीक है। तो मेरे नंबर पे जैसे ही OTP आता है हम अपने नंबर का जो भी OTP है वहाँ यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो चलिए मेरा OTP आ चुका है, हम नोटिफिकेशन बार में जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो OTP आ गया है। तो OTP आने के बाद आपको वो OTP यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो अब आपको जिसका ई श्रम कार्ड बनाना है यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिर से दिया जाएगा, उस कैप्चे को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आते हो अब इस नंबर पे जो यहाँ पे उस आधार से नंबर लिंक रहेगा उस लिंक नंबर पे, देख पा रहे हो आप लास्ट में 2531 है, तो इस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो भी आपका आधार कार्ड डिटेल होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहां पे देख सकते हो सारा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो अब नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एंड यहां पे आपका नंबर आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक देगा इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी भर देना है। अदरवाइज अगर नहीं भरना तो मत भरना आप। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैरिड हो नहीं मैरिड हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके फादर का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए हम अपने डैड का नाम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको आ जाना है सोशल कैटेगरी, ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं OBC में आता हूँ, OBC यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये सब छोड़ देना है। उसके बाद आपको अगर आपको ब्लड ग्रुप आपको पता है तो भर सकते हो, नहीं पता तो छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को नो कर देना है। नो करने के बाद आपको अपना नाम भर देना है, नॉमिनी नाम, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स मांग रहा है कि आपके मान लीजिए आपका बाई चांस डेड हो जाता है तो डेड होने के बाद आपका जो भी पैसा रहेगा वो कौन ले सकता है, ठीक है, तो उसके लिए ये डिटेल्स भरना होता है। तो चलिए हम किसी का भी भर लेते हैं, आप अपने भाई का, जो भी आप किसी का घर में से रिलेटेड किसी का भी भर लेना। तो नाम लिखना है, उसके बाद नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देगा, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ एकदम आपको सही से भर लेना है जो आधार कार्ड में हो, ठीक है, नॉमिनी के आधार कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करना है, जो भी जेंडर आप हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना है क्या आपका रिलेशन है उस पर्सन से, आपको यहाँ पर रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपका फिर से एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो पहला मैं यहाँ पे आपको भर देना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, तो मेरा है उत्तर प्रदेश, तो जो आपका स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में आ जाना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मेरा गोरखपुर है तो मैं गोरखपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड वो सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना ये वाला ऑप्शन छोड़ देना है,
ये ज़रूरी नहीं है आपको भरना, तो ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप ये करंट एड्रेस जो उर्बान है एंड रूरल, ठीक है, तो अगर आप विलेज तो विलेज से हो, गांव से हो तो रूरल पे आप सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज़ अगर आप सिटी से हो तो उर्बान सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको हाउस नंबर सिलेक्ट करना है यहाँ पर, जो आपका हाउस नंबर हो, ठीक है, तो मेरा एक है तो हम एक भर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसको लोकेलिटी को छोड़ देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है भरना, स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट जो आपका स्टेट है फिर से आपको यहाँ पे भरना है, एंड डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे भर देना है, तो मेरा गोरखपुर है, चलिए हम गोरखपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको आ जाना है, ये छोड़ देना है, यहाँ पे तहसील भर लेना है बांसगांव, अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ भी देना। उसके बाद आपको आ जाना है पिन कोड पे, ठीक है, ये ज़रूरी है भरना, तो पिन कोड आपको इंटर कर देना है, तो चलिए हम अपना इंटर कर लेते हैं जो भी मेरा पिन कोड है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, जिस कितने साल से आप इस एड्रेस पर रह रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है। इतना करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको भरना है कि आप कितने तक पढ़े हो। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो डिप्लोमा किए रहते हैं, ग्रेजुएट किए रहते हैं, 10वीं तक 12वीं तक पढ़े रहते हैं, तो मैं 12 तक पढ़ा हूँ तो हायर सेकेंडरी कर लेता हूँ। एंड मेरे घर का इनकम कितना है, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट आपको करना है, तो सबसे कम पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए फिर से आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आप काम क्या करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भरना है कि आप क्या करते हो। तो मैं तो एक गांव से हूँ, एंड गांव से हूँ तो ज़रूरी है मैं फार्मिंग करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक जो PDF फाइल है उसको आप डाउनलोड कर लेना है, एंड PDF फाइल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो कि आप क्या काम करते हो, एंड उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम अपना जो काम करते हैं वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट कर देना है, तो चलिए हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपका इस काम में कितने साल से एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं तो जब से स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ तो 4 साल भर देता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है फिल करना, एंड फिर से आपको और नीचे आ जाना है, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है भरना, अदरवाइज़ अगर आप भरना चाहते हो तो उसको भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सब भरने के बाद आपको आ जाना है नीचे, एंड यहाँ पर लिखा रहा है सेव एंड कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पर आपको जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा मंगाना है वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले में बैंक अकाउंट नंबर पहले में इंटर करना है, फिर सेकंड में भी कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, दोबारा से वही इंटर करना है, तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो को ब्लर कर रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पर चलिए हम अपना जो भी डिटेल्स है वो फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है, ठीक है। IFSC कोड जैसे ही आपको यहाँ पर भर लेते हो, भरने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, एंड यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, जो होल्डर जिसका नाम मतलब जिसके भी नाम से अकाउंट है वो नाम इंटर करना है, एंड यहाँ पे IFSC कोड इंटर करना है। दोनों इंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पे बैंक नेम आपको डिटेल भर देना है, ठीक है, जो आपका बैंक है वो बैंक नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हो, ये जो ग्रीन वाला है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक से आपका बैंक अकाउंट का नाम एंड ब्रांच नेम दोनों आ जाएगा। तो चलिए हम पहले लिख के भी बता दे रहे हैं, एंड आपको यहाँ पे सर्च करके भी बताएंगे ताकि आपको आसान हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इतना करते हो उसके बाद आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपका जो भी ब्रांच रहेगा देख सकते हो आप, मेरा ऑटोमेटिक से आ गया है, ठीक है। तो अब आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो बस अब लास्ट पेज आ गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारा का सारा आपका डिटेल शो होने लगा, आपका जो भी डिटेल्स है, अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहते हो, मान लीजिए आपका कुछ भी मिस्टेक हो तो आप एडिट करना चाहते हो तो फिर से आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, अदरवाइज सब कुछ आपका सही है, एक बार चेक कर लेना, सही होता है तो आपको एकदम से नीचे आ जाना है, एंड जैसे ही नीचे आते हो आपको एक ऑप्शन होगा वहाँ पे टिक करना है, तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं, आपको इस पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो अब आपका एकदम लास्ट प्रोसेस आ चुका है, अब आपको नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका जो UAN कार्ड है यानी कि ई श्रम कार्ड, ठीक है, वो बन के रेडी हो चुका है, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड
UAN यहाँ पे आपको UAN डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही डाउनलोड करते हो आपका एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा डाउनलोड होके, एंड इस PDF फाइल को आप किसी भी ऑनलाइन दुकान पे जाकर के प्रिंट करवा के निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीका है, आप घर पे ही बैठे एकदम आसानी से ई श्रम कार्ड को क्रिएट कर सकते हो, एंड किसी भी ऑनलाइन दुकान पे जाकर के 2 रुपये या 10 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये में आपको वहाँ पे प्रिंट भी कर देगा एंड वहाँ पे लेमिनेशन भी कर देगा। दोनों आप करवा के आप एकदम इजीली उसको यूज कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अभी के अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।